मोस्ट केयरिंग और लवर? मेरे लिए सबसे ज़्यादा केयरिंग साइशा, उसने मेरा बहुत ख्याल रखा है। जब मैं बीमार भी हुई थी तो उसने मेरा हर एक मतलब बार बार आके पूछना तूने कुछ खाया, और जब डॉक्टर ने बोला था कि आपकी एपेटाइट कम हो गई है, आपका बीपी इस वजह से डाउन जा रहा है, कि मैं वहाँ पे बहुत कम खाती थी, कि मेरी जो डाइट थी वो मेरे को पूरे अच्छे से खा नहीं पाती थी मैं, क्योंकि वहाँ पे कोई टेस्ट नहीं था और हमारे पास वो चीज़ें, और ग्रीन वेजिटेबल मुझे मना है कि मैं अगर ग्रीन वेजिटेबल खाऊंगी तो मेरे को एलर्जी हो जाती थी, रैशेज हो जाते थे, और वहाँ पे ऑलमोस्ट ग्रीन वेजिटेबल्स आती थी। तो वो साइशा मेरे लिए अलग से ऑमलेट बना के, पराठा बना के लाती थी, तो वो उसने बहुत केयर की है मेरी। फिर मोस्ट एनर्जेटिक? मोस्ट एनर्जेटिक हम कहेंगे बूम बाम को, कि भाई वो बंदा 2 घंटे कैमरा को देख के बात कर सकता है, फक सीरियसली। और वो बैठा रहता था, सब सो रहे हैं, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो बात कर रहा है, बात कर रहा है, बात कर रहा है। उसकी एनर्जी भाई साहब अलग लेवल पे रहती थी। द मोस्ट लेजीएस्ट पर्सन? लेजी हमारे लॉकअप के अंदर 2 हफ्ते के लिए आए थे, विनीत कक्कड़ जी, जिनको दिन दुनिया से, बाकी को कैदी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आराम से लेटे हुए ऐसे करके, उनके हैशटैग भी बाहर चला था लॉर्ड विनीत, तो वो सबसे लेजी पर्सन थे हमारे लॉकअप के अंदर। द मोस्ट फूडीएस्ट पर्सन? फूडी मुनव्वर फारूकी, वैसे उसने 1 महीना वो रखा है, रोज़े रखे हैं, तो बट जब उसके रोज़े नहीं होते थे और रोज़े के बाद, भाई साहब वो उसको ऐसे स्वाद लेता था ना चीज़ों में, यार अगर ये इतना पक जाए ना, अगर ये इतना, मतलब उसको ऐसा रहता था कि हर चीज़ ना बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, इसके अंदर ना नमक थोड़ा सा कम है, ये चुकुम्बर हम बना रहे हैं तो इसके कचुम्बर होता है, कचुम्बर होता है क्या था यार वो कचुम्बर, हाँ मुझे याद नहीं है, तो वो वर्ड में हमेशा कंफ्यूज हो जाती थी, उसको हम पंजाबियों में सलाद बोलते हैं, सैलेड, तो वो प्याज टमाटर काट के उसके अंदर वो सारी चीज़ें बनाता है, तो वो बहुत फूडी था, कि उसको खाना बहुत पसंद है, वो नई नई चीज़ें बनवाता था कि ये बनाओ वो करो, ये करो वो करो, तो फूडी उसको कहें। और सबसे ज़्यादा सोता कौन था? सोता था, अगर हम लॉकअप की जर्नी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सोया है वो है मुनव्वर, सीरियसली, क्योंकि उसके कहीं ना कहीं उसकी पहले हफ्ते तबीयत ख़राब हो गई, दूसरे हफ्ते होगी, तीसरे हफ्ते होगी, चौथे हफ्ते, मतलब वो बीमार ही रहा ऑलमोस्ट, फिर उसके चोट लग गई थी। अच्छा, जजमेंट डे पर जब आप लोग रेडी होते थे, हाँ, तैयार होने के लिए, तो सबसे ज़्यादा टाइम कौन लगाता था? साइशा। अच्छा, साइशा सबसे ज़्यादा टाइम लगा देती थी। और आपका मूड बूस्टर कौन था, जो आपका एकदम सबसे लो हो और फटाक से आपका मूड चेंज हो? नवर, साइशा, पूनम, अली जुशान। और सबसे ज्यादा प्रैंक्स कौन करता था यहाँ पे? मुनव्वर। और हर चीजों में लेट और लेट गो कौन करता था, क्योंकि कुछ काम कर रहा है तो बाद में करेंगे ना, चलो छोड़ो ना। मुनव्वर। और सबसे ज्यादा डम कौन था? डम हम कहेंगे आजमा को, लेट थोड़ा सा समझ में आता था उसको, समझ क्या, उसको कुछ पता ही नहीं चलता था क्या करना है, वो बस। सबसे ज्यादा गॉसिप कौन करता था, ये बता दीजिए। गॉसिप पायल। सबसे ज्यादा क्लोज किसके हैं, मतलब अभी भी हाँ, बाहर निकलने के बाद? बाहर निकलने के बाद अली, जिशान, साइशा और पूनम और मुनव्वर। अभी मेरी इनसे पर्सनल मीटिंग नहीं हुई है, बिकॉज जैसे हम कल रात को मिले हैं अली जिशान में, तो हमारा वही वाला बॉन्ड अभी तक कंटिन्यू है, पर अभी तक पर्सनली मैं साइशा, पूनम और मुनव्वर से नहीं मिली हूँ, तो मैं मिलूँगी उनसे और फिर आपको बताऊँगी कि मेरा उनके साथ वैसा बॉन्ड है या नहीं है, एंड आई विश वो हो।